सीरीज ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म के फोर्थ वीडियो में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में लेप्लास ट्रांसफॉर्म का फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम बताऊंगा और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को। इस वीडियो के पहले मैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म पर 3 वीडियोज अपलोड कर चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं या ऊपर आ रहे आई बटन को भी प्रेस करके लेप्लास ट्रांसफॉर्म के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो हाय स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमए क्लासेज, मैं हूं सुनील कुमार। इस चैनल पर मैं हायर मैथमेटिक्स का ही वीडियो लेकर के आता हूं। आप यदि इस चैनल में पहली बार आए हैं या इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचते रहे। यदि वीडियो पसंद आता है तो आप जरूर लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम देखते हैं। पहले हम लोग थ्योरम देखेंगे, उसके बाद फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को। यहाँ पर लेप्लास ट्रांसफॉर्म में 2 शिफ्टिंग थ्योरम है, एक फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम और एक सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहता है इसके बारे में पहले समझते हैं कि यहाँ पर एफ ऑफ टी कोई भी एक फंक्शन है ऑफ टी फॉर ऑल टी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ये जो फंक्शन डिफाइंड हो रहा है वो टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए। पहले भी हम लोग डेफिनेशन में देख चुके हैं, जो फंक्शन जिस फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं वो फंक्शन वहाँ पर वेरिएबल जो टी होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और हुज लेप्लास ट्रांसफॉर्म कैपिटल एफ ऑफ पी एग्जिस्ट, मान लेते हैं इस फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म कैपिटल एफ ऑफ पी है और ये एग्जिस्ट कर रहा है फॉर पी ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन के। ये जो फंक्शन है इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म कैपिटल एफ ऑफ पी है और ये तभी एग्जिस्ट कर रहा है जब पी ग्रेटर देन के है। ये कंडीशन अगर अप्लाई होगा तभी इस फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा। तो ये थ्योरम कहता है कि देन फॉर एनी कांस्टेंट ए द फंक्शन ई टू द पावर ए टी इंटू एफ टी हैज द लेप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ पी माइनस ए। अगर एफ टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ पी है तो इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा कैपिटल एफ ऑफ पी माइनस ए, जहां पर पी ग्रेटर देन के प्लस ए हो जाएगा। क्या मीनिंग हुआ जरा इसको यहां पर समझिए, क्लियर हो जाएगा कि एफ ऑफ टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म कैपिटल एफ ऑफ पी है जहां पर पी ग्रेटर देन के, ये इसी के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। पी अगर के से बड़ा रखते हैं तभी ये इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है। तो शिफ्टिंग थ्योरम का कहना है कि अगर इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म पता है तो इसमें अगर ई टू द पावर ए टी से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ए पी माइनस ए, मतलब पी को रिप्लेस कर देना और उसके बदले क्या लिख देना है, पी माइनस ए लिख देना है। कैसे जरा समझिए, यहाँ पर जो फंक्शन है उस फंक्शन में अगर हम लोग e टू द पावर at से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म होगा एफ टी का जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म था उसी से हम लोग लिख सकते हैं। क्या करना है, सिर्फ p के जगह p माइनस ए बैठा देना और यहाँ पर ये कंडीशन था p ग्रेटर देन k, तो यहाँ हो जाएगा p ग्रेटर देन k प्लस ए। अब इसका सिंपल प्रूफ है, बहुत छोटा प्रूफ है लेकिन मैं प्रूफ तो आगे बताऊँगा। पहले आप यहाँ पर समझिए कि जैसे 1 का लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1 का लेप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1 बाई पी, जहाँ पर p ग्रेटर देन 0 होता है। तो अगर किसी फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म पता है और अगर उस फंक्शन में e टू द पावर at से मल्टीप्लाई करके उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, जैसे इसी में 1 का लेप्लास ट्रांसफॉर्म पता है, e टू द पावर at से अगर इसमें मल्टीप्लाई करें और इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आया है यहाँ पर इसका जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म आया उसी में पी को रिप्लेस कर देंगे और पी माइनस ए पुट कर देंगे। तो यहाँ पर पी को रिप्लेस करके पी माइनस ए पुट कर देंगे और ये जो कंडीशन था यहाँ पर p ग्रेटर देन k था, यहाँ पर a ऐड कर देना, k में a ऐड कर देंगे, तो यहाँ p ग्रेटर देन 0 था, 0 में a ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर लेप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकल जाएगा, e टू द पावर ए टी इंटू 1, e टू द पावर ए टी का कितना आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय p माइनस a, जहाँ पर p क्या हो गया ग्रेटर देन a। यही फॉर्मूला e टू द पावर ए टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म का होता है। तो हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से इस फॉर्मूला को भी हम लोग निकाल सकते थे या इस तरीके के और भी किसी सवाल को बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लेप्लास ट्रांसफॉर्म साइन टी का पता है तो हम लोग इससे निकाल सकते हैं ई टू द पावर ए टी इंटू साइन टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से। तो प्रॉब्लम के बारे में तो हम लोग पढ़ेंगे, पहले इस थ्योरम को प्रूफ कर लेते हैं। थ्योरम का प्रूफ बहुत ही छोटा है, आसानी से हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। देखिए कैसे प्रूफ कर सकते हैं जरा इसके बारे में समझिए। वी हैव, हम लोग डेफिनेशन से जानते हैं कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी का जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म होता है जिसको कैपिटल एफ ऑफ पी से डिनोट करते हैं वो किसके बराबर होता है। ये डेफिनेशन में बताया हूँ कि ई टू द पावर माइनस पी टी इंटू एफ ऑफ टी, इसी इंटीग्रल का वैल्यू के बराबर होता है 0 to ∞। इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, इस इंटीग्रल का जो भी वैल्यू आता है वही इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म होता है और इसका जो वैल्यू आता है उसको हम लोग कैपिटल एफ ऑफ पी से डिनोट करेंगे, जहां पर मान लेते हैं कि पी ग्रेटर देन
किए हैं। ये जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है वो p ग्रेटर देन के, ये थ्योरम के स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि f ऑफ t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये है, लेकिन ये किसके लिए, p ग्रेटर देन k के लिए है, तो यहाँ पर भी p ग्रेटर देन के लिए है। अब इसमें रिप्लेस कर देते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, रिप्लेस करते हैं p बाय p माइनस a, हम लोग यहाँ पर p के जगह p माइनस a बैठा रहे हैं, वी गेट क्या मिलेगा जरा देखिए। इस इंटीग्रल का जो भी वैल्यू आ रहा है कैपिटल f ऑफ p लिख रहे हैं उसको, तो यहाँ पर अब रिप्लेस कर रहे हैं p को हटा करके p माइनस a लिख रहे हैं, तो f ऑफ p माइनस a इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप इसको छोड़ दीजिए, ये दोनों तो इक्वल है, ये जब दोनों इक्वल है तो इसी में हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं p को हटा करके p माइनस a, तो इधर हम लोग p की जगह p माइनस a पुट कर रहे हैं और इधर भी पुट कर देते हैं, जीरो टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस p के जगह p माइनस a इंटू टी, और ये एफ ऑफ टी डी टी रहने देते हैं, यहाँ पर भी पी है तो इसके जगह पी के जगह पी माइनस ए लिखना पड़ेगा ग्रेटर देन के। अब चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जीरो टू इन्फिनिटी रहने देते हैं, इधर भी कैपिटल एफ ऑफ पी माइनस ए भी रहने देते हैं, और यहाँ पर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस को, तो ई टू द पावर माइनस पी टी, और प्लस ये टी भी हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए टी, और यहाँ पर एफ ऑफ टी डी टी, जहाँ पर पी ए को आप उधर ले जाइए ग्रेटर देन के। अब देखिए इधर तो ज्यों कहते हो, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको सिर्फ क्या कर रहे हैं, दो एक्सपोनेंशियल के प्रोडक्ट में लिख रहे हैं, एक बार ई टू द पावर माइनस पी टी लिख रहे हैं और इन टू ई टू द पावर ए टी लिख रहे हैं, तो चलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, दैट इज यहाँ पर इधर लेफ्ट हैंड साइड तो एफ ऑफ पी माइनस ए रहने देते हैं, और इधर राइट हैंड साइड में जो इंटीग्रल था जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी इंटू ई टू द पावर ए टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी, जहाँ पर पी ग्रेटर देन के प्लस ए था, देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर यही था ना, इधर तो एफ ऑफ पी माइनस है, और इसको हम लोग क्या किए हैं, इसको कर रहे हैं यहाँ पर ई टू द पावर माइनस पी टी इंटू ई टू द पावर ए टी लिख जा रहे हैं, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगा, तो ये काम कर रहे हैं और बाकी सब चीज़ वही रख रहे हैं, ये दोनों को हम लोग इस फंक्शन को हम लोग इस दो फंक्शन के प्रोडक्ट में लिख रहे हैं, और एफ टी डी टी या पी ग्रेटर देन, देखिए ए को जब उधर ले गए तो के प्लस ए होगा यहाँ पर, तो के प्लस ए ये ज्यों का त्यों रख रहे हैं, सिर्फ इसको हम लोग दो एक्सपोनेंशियल के प्रोडक्ट में लिख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब आगे देखिए, दैट इज एफ ऑफ पी माइनस ए इक्वल टू, यहाँ पर जीरो टू इन्फिनिटी रहने देते हैं ई टू द पावर माइनस पी टी, और इसको एक ब्रैकेट में रखते हैं ई टू द पावर ए टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी, ये एक ब्रैकेट में, जहाँ पर p ग्रेटर देन k प्लस ए होगा, मतलब इसका वैल्यू ये तब आएगा जब p ग्रेटर देन k प्लस ए हो, यानी कि इसका इंटीग्रल तभी एग्जिस्ट करेगा जब p का वैल्यू k प्लस ए से ग्रेटर देन रखते हैं तब। अब जरा देखिए आगे, क्या लैप्लास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन है, किसी भी फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना हो तो क्या करते हैं, उस फंक्शन में e टू द पावर माइनस पी टी से मल्टीप्लाई करते हैं और उसको इंटीग्रेट कर देते हैं जीरो टू इन्फिनिटी, यही लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अगर एफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना तो एफ टी में मल्टीप्लाई करेंगे ई टू द पावर माइनस पी टी से और उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगा इंटीग्रल का वही लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा। यहाँ पर देखिए इसमें और इसमें कंपेयर कीजिए, ये पूरा एक फंक्शन है, इस पूरे फंक्शन में ई टू द पावर माइनस पी टी से मल्टीप्लाई हुआ, इस फंक्शन में ई टू द पावर माइनस पी टी से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा एफ ई टू द पावर ए टी एफ टी का, e टू द पावर ए टी एफ टी का ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। देखिए अगर जिस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है उस फंक्शन में e टू द पावर माइनस पी टी से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये पूरा एक फंक्शन है, इस फंक्शन में e टू द पावर माइनस पी टी से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट किया गया है, तो ये इस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म बताएगा ना, तो इस इंटीग्रल को क्या लिख सकते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर ए टी एफ टी, और इधर जो है वो ज्यों का त्यों रहने दीजिए, एफ ऑफ पी माइनस ए, जहाँ पर p क्या था, p ग्रेटर देन k प्लस a है, तो देखिए इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकल गया, यहाँ पर इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकल गया, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर ए टी एफ ऑफ t इक्वल टू एफ ऑफ p माइनस a, जहाँ पर p ग्रेटर देन k प्लस a है, तो यही प्रूफ हो गया, यही हम लोग को प्रूफ करना था, तो सिंपल है, कुछ विशेष नहीं है, करना क्या है,
अगर किसी भी फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म पता है, एफ ऑफ टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म पता है, मान लेते हैं कैपिटल एफ ऑफ पी है जहां पर पी ग्रेटर देन के है, तो अगर इस फंक्शन में ई टू द पावर ए टी से मल्टीप्लाई कर दें यहां एफ ऑफ टी में, तो इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, एफ ऑफ पी माइनस ए। देखिए यहां पर टी का जो कोएफिशिएंट है वही पी में एक सब्ट्रैक्ट हुआ है और यहां पर हो जाएगा पी ग्रेटर देन के प्लस ए। तो सिंपल है, इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म अगर ये है तो इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म ये हो जाएगा। इसी को कहते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। अब इससे रिलेटेड चलिए मान लेते हैं, मैं कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूं यहां पर। मान लेते हैं हम लोग साइन 3t, साइन 3t का क्या होगा लेप्लास ट्रांसफॉर्म, साइन 8t का लेप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला आप जानते हैं, साइन 8t का क्या होता है, a डिवाइडेड बाय p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जहां पर p ग्रेटर देन 0 होता है। तो इसी फॉर्मूला से साइन 3t का लिख सकते हैं, साइन 3t का क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a स्क्वायर की जगह यहां पर 3 स्क्वायर है और जहां पर p ग्रेटर देन 0 होता है। तो अब चलिए मान लेते हैं हम लोग को निकालना है साइन 3t का पता चल चुका है, तो हम लोग को निकालना है लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 2t साइन 3t। तो इसका कैसे निकालेंगे, इसका जो भी वैल्यू निकला है उसको अगर हम लोग एफ पी मान लें, इसका इस वैल्यू को हम लोग क्या कर रहे हैं, एफ पी मान रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा लेप्लास ट्रांसफॉर्म, इसका हो जाएगा एफ पी माइनस 2, क्योंकि आप देख रहे हैं यहां पर t के साथ 2 है तो एफ पी माइनस 2 मतलब p को रिप्लेस कर देंगे और p माइनस 2 जहां जहां p था वहां पर हटा करके p माइनस 2 कर देंगे। तो देखिए इसका हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय p को रिप्लेस करेंगे p माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, जहां पर p ग्रेटर देन 0 जो था वो 0 प्लस 2 हो जाएगा। तो यही फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है, साइन 3t का जो भी वैल्यू लेप्लास ट्रांसफॉर्म पता था उसमें अगर हम लोग एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई किए ई टू द पावर 2t से, तो यहां पर क्या किए, जहां जहां p था उस p को हटा करके p माइनस 2 पुट कर दिए, जहां भी रहेगा अगर एक ही जगह है तो एक ही जगह किए, अगर दो जगह है तो दो जगह कर देंगे, जितने जगह है पूरे फंक्शन में p को रिप्लेस कर देंगे p माइनस 2 से। और यहां पर ग्रेटर देन 0 जो था उसमें हम लोग 2 को यहां पर ऐड कर दिए क्योंकि यहां पर 2 था। तो चलिए अब देखिए इसको क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, दैट इज ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय, इसको होल स्क्वायर में एक्सपेंड कर दीजिए, पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4 और प्लस 9 जहां पर p ग्रेटर देन 2 है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय p स्क्वायर रहने देते हैं, माइनस 4p भी रहने देते हैं और 4 प्लस 9 13 हो जाएगा जहां पर p ग्रेटर देन 2 है। तो इस तरीके से हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम को अप्लाई करके किसी भी सवाल को, इस तरीके के सवाल को बना सकते हैं। कोई भी फंक्शन का अगर लेप्लास ट्रांसफॉर्म पता है तो उसमें एक्सपोनेंशियल से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग आसानी से डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर एक थ्योरम देखिए, थ्योरम क्या है कि यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम सो दैट फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का यूज करके कुछ रिजल्ट को प्रूफ करना है और इस रिजल्ट में जहां भी टी यूज हो रहा है वो टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो क्या है पहला रिजल्ट, फर्स्ट रिजल्ट है लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर ए टी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय पी माइनस ए जहां पर पी ग्रेटर देन ए। ऑलरेडी ये एक फॉर्मूला है जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन यहाँ पर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का यूज करके इसको प्रूफ करना है और वो भी मैं कर चुका हूँ, जब मैं इसका फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम बता रहा था तो वहाँ पर भी मैं बता चुका हूँ कि e टू द पावर at का कैसे लेप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से इतना ला सकते हैं। और भी कुछ फॉर्मूला देखिए, t e टू द पावर at इंटू t टू द पावर b का लेप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होगा गामा b प्लस 1 डिवाइडेड बाय p माइनस ए टू द पावर b प्लस 1 जहां पर b ग्रेटर देन माइनस 1 होगा और p ग्रेटर देन ए होगा। फिर उसी तरीके से e टू द पावर at इंटू t टू द पावर n का लेप्लास ट्रांसफॉर्म का ये फॉर्मूला हो जाएगा जहां n इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट डॉट और p ग्रेटर देन ए। ऑलरेडी हम लोग t टू द पावर b का या t टू द पावर n का फॉर्मूला जो जानते हैं उसमें फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में क्या करेंगे कि e टू द पावर at से मल्टीप्लाई करके उसका निकाल लेंगे, जैसे साइन हाइपरबोलिक bt का जानते हैं उसमें e टू द पावर at से मल्टीप्लाई करके उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे, कॉस हाइपरबोलिक bt में e टू द पावर at से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा, अभी मैं बताऊंगा कोई एक बताऊंगा बाकी आप लोग खुद कर सकते हैं। साइन bt का जो पता है उसमें e टू द पावर at से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म ये आ जाएगा। फिर एक यहाँ पर देखिए एक रिजल्ट ये है कि cos bt में अगर e टू द पावर at से मल्टीप्लाई करें तो उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म ये प्रूफ करना, सारा जो भी रिजल्ट मैं यहाँ पर अभी बता रहा हूँ वो सारा रिजल्ट को प्रूफ करना फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से। तो चलिए मैं एक कर रहा हूँ क्योंकि बाकी सब बहुत आसानी से आप बना सकते हैं खुद, दो लाइन में बन जाता है, दो स्टेप में बन जाता है। जैसे अगर इसी सवाल की बात करें, इसी को प्रूफ करना फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से, तो कैसे प्रूफ करेंगे, लिखेंगे वी नो दैट
हम लोग पहले से जानते हैं कॉस बी टी का, वी नो दैट लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस बी टी क्या होता है। कॉस बी टी का यहाँ पर होगा पी डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहाँ पर पी क्या होता है ग्रेटर देन जीरो। ये तो ऑलरेडी पहले से हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, वहाँ पर कॉस ए टी का लिख रहे थे, यहाँ पर कॉस बी टी है, तो पी डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देयर फोर बाई फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम या बाई यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का यूज करें, बाई यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, शिफ्टिंग थ्योरम वी हैव, हम लोग को क्या मिल जाएगा जरा देखिए, वी हैव यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं अब e टू द पावर ए टी से, कॉस बी टी में हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, e टू द पावर ए टी से। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में बढ़ चुके हैं, अगर इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म कैपिटल एफ ऑफ पी है, ये जो है वो क्या बता रहा है, ये कैपिटल एफ ऑफ पी बता रहा है। अगर इस फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म कैपिटल एफ ऑफ पी है, अगर इसमें e टू द पावर ए टी से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ ऑफ पी माइनस ए, मतलब जहाँ जहाँ p है इसमें उस p के बदले हम लोग को p माइनस ए पुट कर देना है। तो पुट कर दीजिए, देखिए यहाँ पर p है, p माइनस ए हो जाएगा, और नीचे भी p है, p माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, जहाँ पर p ग्रेटर देन जीरो जो था उसमें भी एक चीज़ ऐड हो जाता है, जैसे e टू द पावर ए टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ a ऐड हो जाएगा। तो क्या हो गया, दैट इज लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर ए टी इंटू कॉस बी टी इक्वल टू पी माइनस ए डिवाइडेड बाय पी माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, जहां पर पी ग्रेटर देन ए आ गया। यही प्रूव करना था, तो सिंपल है, कुछ विशेष है नहीं, जो फार्मूला हमको पता है उस फार्मूला को लिख लेंगे और फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का यूज करके डायरेक्ट ये रिजल्ट लिख देना, और तो कुछ करना नहीं है। तो इस तरीके से ये कुछ फार्मूलाज बन गए, ये भी फार्मूला आपको याद रखना है, ये डायरेक्ट हम लोग इसको यूज कर सकते हैं सवाल बनाने में, कि अगर e टू द पावर ए टी इंटू साइन हाइपरबोलिक बी टी का अगर रहे तो इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये रहे तो इसका डायरेक्ट लेप्लास ट्रांसफॉर्म ये लिख सकते हैं, ये रहे तो इसका डायरेक्ट लेप्लास ट्रांसफॉर्म ये लिख सकते हैं। तो ये भी एक फार्मूला बन गया यहाँ पर, सेवन फार्मूलाज, इसको आपको याद रखना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है, सबसे पहले यू फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ टी फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहाँ पर कुछ मैं फंक्शन लिखा हूँ, उस फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, जहाँ पर फंक्शन में टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, e टू द पावर टू टी टी टू द पावर फोर, इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। इस तरीके से और भी कुछ क्वेश्चन है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं, इसका सॉल्यूशन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन का हम लोग शिफ्टिंग थ्योरम का यूज करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले शिफ्टिंग थ्योरम का यूज करने के पहले क्या करेंगे, हम लोग टी टू द पावर फोर का निकाल लेते हैं। टी टू द पावर फोर का जब निकाल देंगे तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका भी निकल जाएगा। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म आप निकाल लीजिए टी टू द पावर फोर का। तो टी टू द पावर फोर का क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा फैक्टोरियल फोर डिवाइडेड बाय पी टू द पावर फोर प्लस वन, फोर प्लस वन, जहां पर पी ग्रेटर देन जीरो होता है। तो फैक्टोरियल फोर का वैल्यू आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय पी टू द पावर 5 आ गया, जहां पर पी ग्रेटर देन जीरो है। तो ये निकल गया लेप्लास ट्रांसफॉर्म टी टू द पावर 4 का। अब हम लोग शिफ्टिंग थ्योरम से, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम जो हम लोग पढ़े हैं उससे निकाल सकते हैं e टू द पावर 2t t टू द पावर 4 का। यहां पर e टू द पावर 2t इंटू टी टू द पावर 4 है, तो इस t टू द पावर 4 का जब पता है उसमें एक्सपोनेंशियल e टू द पावर 2t से मल्टीप्लाई किए हैं, तो जहां जहां p होगा उस p को रिप्लेस कर देंगे और p माइनस 2 पुट करेंगे, यहां पर 2 है तो p माइनस 2 पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय p माइनस 2 का पावर 5, जहां पर p ग्रेटर देन 0 जो था तो p ग्रेटर देन 0 प्लस 2 कर देना पड़ेगा, 2 ऐड कर देना पड़ेगा, तो 0 प्लस 2 मतलब 2 हो जाएगा। तो ये कहाँ से लाएं, यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख दीजिए कि बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का हम लोग यूज किए हैं शिफ्टिंग थ्योरम, तो इसके यूज से इसको हम लोग बनाए हैं। अब उसी तरीके से चलिए सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहता है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है टी टू द पावर 3/2 में एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई है, तो पहले टी टू द पावर 3/2 का निकाल लेंगे, बाद में एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले निकालते हैं टी टू द पावर 3/2 का लेप्लास ट्रांसफॉर्म, क्या होगा इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म,
इसका फॉर्मूला है टी टू द पावर ए वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। अगर इंटीजर रहता है पावर में 0, 1, 2, 3, 4, 5 पॉजिटिव इंटीजर या 0, तब ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। लेकिन अगर इंटीजर नहीं रहे तो टी टू द पावर ए का फॉर्मूला होता है गामा ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई पी टू द पावर ए प्लस 1। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, यहाँ पर इंटीजर नहीं है तो ये हो जाएगा गामा 3/2 + 1 डिवाइडेड बाय पी टू द पावर 3/2 + 1 हो जाएगा, 3/2 + 1, जहां पर पी ग्रेटर देन 0 होता है। अब इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये गामा 3/2 + 1 को क्या लिख सकते हैं, मैं फॉर्मूला बताया हूं, गामा एन प्लस 1 इक्वल टू होता है एन इंटू गामा एन, ये फॉर्मूला है गामा एन प्लस 1 इक्वल टू एन इंटू गामा एन। तो यहां पर गामा 3/2 + 1 को क्या लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं 3/2 × γ3/2, गामा एन प्लस 1 इक्वल टू एन इंटू गामा एन और डिवाइडेड बाय पी टू द पावर 5/2 हो जाएगा, जहां पर पी ग्रेटर देन 0 है। फिर गामा 3/2 को क्या लिखेंगे, चलिए देखते हैं। पहले मैं इसी चीज को यहां पर लिख रहा हूं, यहां पर था 3/2 × γ3/2 डिवाइडेड बाय पी टू द पावर 5/2। तो ये गामा 3/2 को ऐसा लिख सकते हैं हम लोग 1/2 + 1 दोनों ऐड करेंगे तो गामा 3/2 हो गया, और इसमें कंडीशन था पी ग्रेटर देन 0। अब फिर वही फार्मूला अप्लाई करेंगे गामा एन प्लस 1 वाला, गामा एन प्लस 1 का फार्मूला होता है एन इंटू गामा एन और यहाँ पर पी टू द पावर 5/2 ज्यों का त्यों, जहाँ पर पी ग्रेटर देन 0 है। गामा 1/2 का फार्मूला होता है रूट अंडर पाई, तो यहाँ आ रहा है 3/4 और गामा 1/2 का वैल्यू रूट अंडर पाई डिवाइडेड बाय पी टू द पावर 5/2, जहाँ पर पी ग्रेटर देन 0। किसका निकल गया ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म, टी टू द पावर 3/2 का निकाल रहे थे, इसी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकला 3/4 रूट अंडर पाई डिवाइडेड बाय पी टू द पावर 5/2, जहाँ पर पी ग्रेटर देन 0 है। तो ये निकल चुका है हम लोग का गामा, सॉरी टी टू द पावर 3/2 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अब निकालना क्या है देख रहे हैं आप, e टू द पावर -40 टी टू द पावर 3/2 का, तो e टू द पावर -40 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देयरफॉर अगर यहाँ पर e टू द पावर -40 से मल्टीप्लाई करते हैं टी टू द पावर 3/2 में, तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से इधर क्या होगा, जहाँ जहाँ p होगा उसको रिप्लेस करेंगे, p माइनस a से रिप्लेस करते हैं, a के जगह आप देख रहे हैं -4 है, तो p को रिप्लेस करेंगे p माइनस -4 से, ए के जगह e टू द पावर 80 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो p माइनस ए, यहाँ 80 से नहीं बल्कि -40 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो a के जगह -4 हो गया, तो p --4 से रिप्लेस कर देंगे, तो 3/4 रूट अंडर पाई डिवाइडेड बाय p --4 और इसका फिर पावर है 5/2 और यहाँ हो जाएगा p ग्रेटर देन 0 जो था, तो 0 प्लस यहाँ a के जगह -4 है तो -4 यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3/4 रूट अंडर पाई डिवाइडेड बाय पी प्लस 4 टू द पावर 5/2, जहाँ पर पी ग्रेटर देन -4, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग दो क्वेश्चन बना लिए हैं। अब चलिए एक एक करके और भी आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, आप लोग खुद बनाइए इसको। कैसे, जैसे देखिए मैं यहाँ सिर्फ समझा दे रहा हूँ, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 8t क्या होगा, साइन 8t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म इसका हो जाएगा 8/p² + 8² ये फॉर्मूला होता है साइन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म का, साइन 80 का a/p² + a², जहां पर p ग्रेटर देन 0 होता है। e टू द पावर -5t से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से e टू द पावर -5t से मल्टीप्लाई कर रहे हैं साइन 80 में, तो क्या होगा साइन 80 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 8/, यहां हो जाएगा p माइनस, खुद -5 है तो यहां पर प्लस कर सकते हैं डायरेक्ट p +5 का होल स्क्वायर +8², जहां पर p ग्रेटर देन 0 जो था वो 0 प्लस -5 करेंगे तो p ग्रेटर देन -5 हो जाएगा। तो ये सिंपल है, सिर्फ एक स्टेप में बन जाएगा, तो इसको आप लोग खुद बना लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन, इसका फिर लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, ये तीन क्वेश्चन और है तो एक एक करके हम लोग तीनों को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में है, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है t + 2 का होल स्क्वायर e टू द पावर t।
तो यहाँ एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई टू द पावर टी, ये तो शिफ्टिंग थ्योरम से मल्टीप्लाई करके हम लोग कर लेंगे, सिर्फ इसका हम लोग निकाल लेते हैं, उसके बाद शिफ्टिंग थ्योरम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरे दोनों का प्रोडक्ट का निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर निकालते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी प्लस टू टू द पावर टू, और इसका कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए इसको होल स्क्वायर में एक्सपेंड कर दीजिए, तो टी स्क्वायर प्लस फोर टी प्लस फोर हो जाएगा। अब लिनियरिटी प्रॉपर्टी से ये सभी में लैप्लास ट्रांसफॉर्म लग जाएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर प्लस फोर कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी प्लस फोर भी बाहर हो जाएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन टी स्क्वायर का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, यहाँ पर पावर जो है वो इंटीजर है तो इसका हो जाएगा फैक्टोरियल टू डिवाइडेड बाय पी टू द पावर थ्री, टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा फैक्टोरियल वन डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर, और यहाँ पर वन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वन बाय पी, और सभी में इसमें भी पी ग्रेटर देन जीरो, इसमें भी पी ग्रेटर देन जीरो, इसमें भी पी ग्रेटर देन जीरो, तो कॉमन पी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा कंडीशन यहाँ पर। अब आप इसको एलसीएम लेकर के ऐड कर लीजिए, पी क्यूब एलसीएम आ जाएगा, तो पी क्यूब यहाँ पर रखते हैं और यहाँ पर फैक्टोरियल टू का वैल्यू टू, पी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं पी, यहाँ पर हो जाएगा फोर पी, और यहाँ पर पी से डिवाइड करते हैं पी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर इंटू है तो पी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा फोर पी स्क्वायर, ये हो गया पी ग्रेटर देन जीरो के लिए। तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकल गया है। अब फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से हम लोग किसका निकाल लेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल जाएंगे टी प्लस टू का होल स्क्वायर इंटू ई टू द पावर टी, यहाँ पर ई टू द पावर टी से मल्टीप्लाई किए, मतलब ई टू द पावर ए टी, ए के जगह क्या है वन है, यहाँ पर यहाँ वन इंटू टी कह सकते हैं, तो ए के जगह वन है, तो यहाँ पर जितना जगह पी है वो सभी पी को हटा करके पी माइनस वन लिख देंगे, रिप्लेस करेंगे, पी माइनस ए रिप्लेस करते थे तो ए के जगह वन है, पी माइनस वन रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, टू प्लस फोर पी माइनस वन और प्लस फोर पी माइनस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी माइनस वन का होल क्यूब, यहाँ पर करेंगे p ग्रेटर देन जीरो प्लस a रहता था, जीरो प्लस a शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करने के बाद लिखते थे तो a की जगह 1 है, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम जिस थ्योरम का अप्लाई कर रहे हैं उस थ्योरम को आप जरूर लिख दीजिए यहाँ पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्या आएगा, तो 2 तो रहने देते हैं और 4p यहाँ पर हो जाएगा और माइनस फोर हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर पी माइनस वन को होल स्क्वायर में एक्सपेंड कर देंगे तो फोर तो बाहर है, पी स्क्वायर माइनस टू पी प्लस वन और डिवाइडेड बाय पी माइनस वन का होल क्यूब, जहाँ पर पी ग्रेटर देन वन है। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर फोर से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर और माइनस फोर कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ टू बच रहा है, 4p और यहाँ पर माइनस 8p तो माइनस 4p हो जाएगा, और फिर इसके बाद है सिर्फ 4p स्क्वायर है और डिवाइडेड बाय p माइनस 1 का होल क्यूब, जहाँ पर p ग्रेटर देन 1 हो गया, यही आंसर हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन हाइपरबोलिक 3t cos स्क्वायर t, इसका निकालना है, फिफ्थ नंबर ये था तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ फिफ्थ नंबर साइन हाइपरबोलिक 3t, यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक 3t इंटू कॉस स्क्वायर 2t है, इसका कैसे निकालेंगे, इसका निकालने के लिए सिर्फ हम लोग कॉस स्क्वायर 2t का पहले निकाल लेंगे और उसके बाद फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का यूज करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे। एक्चुअली ये जो है वो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है, साइन हाइपरबोलिक 3t का जो डिफिनेशन है वो एक्सपोनेंशियल के टर्म में है, तो एक्सपोनेंशियल के टर्म में तो वहाँ से आ जाएगा, पहले हम लोग कॉस स्क्वायर टी का निकालते हैं, फिर मैं बाद में बताऊंगा कि कैसे इसका हम लोग कंप्लीट फंक्शन का निकाल सकते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो कॉस स्क्वायर टी के लिए देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस स्क्वायर टी, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कॉस स्क्वायर टी का कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ पर कॉस स्क्वायर टी का जो फार्मूला होता है 1 बाय 2 इंटू 1 प्लस कॉस 2t, ये फार्मूला लिख जाते हैं, फिर 1 बाय 2 बाहर हो जाएगा और लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगेगा 1 में, फिर लैप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ पर कॉस 2t में भी हो जाएगा, दोनों में अप्लाई होगा। अब चलिए आगे देखते हैं, 1 बाय 2 रहने देते हैं, 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1 बाय पी और कॉस 2t का क्या होगा, कॉस 2t का हो जाएगा पी डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब दोनों के लिए, इसके लिए भी पी ग्रेटर देन 0, इसके लिए भी पी ग्रेटर देन 0, तो दोनों के लिए हो जाएगा पी ग्रेटर देन 0, कॉमन यही हो गया।
अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आ रहा है पी इंटू पी स्क्वायर प्लस फोर, ये इधर मल्टीप्लाई होगा पी स्क्वायर प्लस फोर प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये है p ग्रेटर देन जीरो, देखिए यहाँ पर 2p स्क्वायर आएगा और 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 2 कॉमन ले करके और इसको कैंसिल करके हम लोग लिख रहे हैं पी स्क्वायर प्लस टू डिवाइडेड बाय p इंटू पी स्क्वायर प्लस फोर, इसका निकल गया जहाँ पर p ग्रेटर देन जीरो है। अब फिर हम लोग को निकालना किसका है, हम लोग को निकालना है इसका साइन हाइपरबोलिक 3t, क्वेश्चन यही था साइन हाइपरबोलिक 3t कॉस स्क्वायर t। तो सबसे पहले हम लोग इस साइन हाइपरबोलिक 3t का फॉर्मूला लिख जाते हैं, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक 3t का फॉर्मूला है e टू द पावर 3t माइनस e टू द पावर माइनस 3t डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला होता है। और कॉस स्क्वायर टी ज्यों का त्यों रहने देते हैं, देखिए जरा समझिए साइन हाइपरबोलिक 3t का जो फॉर्मूला होता है e टू द पावर 3t माइनस e टू द पावर माइनस 3t डिवाइडेड बाय 2 एक्सपोनेंशियल में, कॉस हाइपरबोलिक 3t का हो जाएगा सिर्फ यहाँ पर प्लस हो जाएगा, साइन में माइनस होता है और कॉस में प्लस होता है। अब देखिए ये 1 बाय 2 कॉन्स्टेंट है, 1 बाय 2 को बाहर कर देते हैं और लेप्लास ट्रांसफॉर्म किसका होगा, लेप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा यहाँ पर, अब आप दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए e टू द पावर 3t कॉस स्क्वायर टी और फिर माइनस ई टू द पावर माइनस थ्री टी कॉस स्क्वायर टी। अब देखिए आगे ये 1 बाई टू रहने देते हैं और यहाँ पर अब दोनों में लेप्लास ट्रांसफॉर्म लगा देंगे, लिनियरिटी प्रॉपर्टी से लेप्लास ट्रांसफॉर्म इसमें भी लगेगा e टू द पावर 3t cos स्क्वायर टी और यहाँ पर भी लगेगा माइनस लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस 3t cos स्क्वायर टी। अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों का फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का यूज करके दोनों का वैल्यू लिख जाएंगे, कैसे जरा समझिए। 1 बाय 2 रहने देते हैं, पहले इसका कॉस स्क्वायर टी का जब हम लोग को पता है ये कॉस स्क्वायर टी का था, यहाँ पर जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकला है कॉस स्क्वायर टी का था, तो कॉस स्क्वायर टी का पता है तो ई टू द पावर 3t का क्या होगा, जहाँ जहाँ p है उसमें p माइनस 3 पुट कर देंगे, तो देखिए p माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय p माइनस 3 इंटू यहाँ पर हो जाएगा p माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4। आप ऐसा भी कर सकते थे कि p अंदर आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते थे। उसके बाद यहाँ पर e टू द पावर माइनस 3 से t से मल्टीप्लाई किया गया तो p को रिप्लेस करेंगे और क्या लिखेंगे p माइनस माइनस 3। यहाँ पर आप देखिए इसको जब बनाएंगे तो p माइनस माइनस 3 लिखेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो p प्लस 3 कर देंगे, जहाँ जहाँ p है वहाँ पर p प्लस 3 कर देंगे कॉस स्क्वायर टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म में, तो कॉस स्क्वायर टी का यही है उसमें हम लोग क्या कर देंगे p प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय p प्लस 3 और इंटू यहाँ पर हो जाएगा p प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4। तो इस तरीके से ये हो गया, लेकिन अभी एक काम बाकी है, क्या काम बाकी है जरा समझिएगा इसको, यहाँ तक तो हो गया, अब कंडीशन क्या होगा, इसमें p ग्रेटर देन जीरो है। अब जरा समझिए जब ये कॉस स्क्वायर टी में e टू द पावर 3t से मल्टीप्लाई किए हैं तो p ग्रेटर देन जीरो प्लस 3 होगा और इसमें e टू द पावर माइनस 3t से मल्टीप्लाई किए हैं तो p ग्रेटर देन जीरो माइनस जीरो प्लस माइनस 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक में 3 है और यहाँ पर एक में माइनस 3 है, अगर इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करते हैं तो p ग्रेटर देन 0 प्लस 3, इसमें अगर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करते हैं तो p ग्रेटर देन 0 माइनस 3, तो इसमें क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है p ग्रेटर देन 3 और यहाँ पर क्या आ रहा है p ग्रेटर देन माइनस 3, तो जो दोनों में का कॉमन होगा वो कॉमन लिखना पड़ेगा। तो दोनों का कॉमन क्या होगा, एक में कहता है कि माइनस 3 से बड़ा, इधर कुछ भी हो सकता है, एक में कहता है 3 से बड़ा, तो कॉमन पोर्शन तो इतना ही हुआ ना, 3 से बड़ा इधर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए p ग्रेटर देन 3 जो कॉमन है वही लिखेंगे जहाँ पर p ग्रेटर देन 3। आप इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हैं या तो फिर आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आप जरूर मेंशन कर दीजिएगा कि किस रूल के आधार पर ये आप लिखे हैं, तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से, तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यहाँ पर लिख दीजिएगा बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। अब एक क्वेश्चन और है,
यहाँ पर e टू द पावर माइनस टी साइन स्क्वायर टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, इसका निकालना है। देख रहे हैं ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आपको खुद बनाना है। कैसे बनाएंगे हम लोग? सबसे पहले साइन स्क्वायर टी का निकाल लेंगे। साइन स्क्वायर टी का कैसे निकालेंगे? अभी कॉस स्क्वायर टी का तो हम लोग निकाले हैं, बिल्कुल वैसे ही साइन स्क्वायर टी का निकाल लेंगे। और जब साइन स्क्वायर टी का निकल जाएगा तो e टू द पावर माइनस टी से मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का यूज करके इसका बना सकते हैं। तो ये आसानी से बन जाएगा, कुछ विशेष नहीं है। तो आज मैं बताया हूँ फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का यूज करके कुछ क्वेश्चन को। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम। लेकिन मैं आपको लास्ट में कहना चाहूँगा कि अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर यहाँ तक देखे हैं तो ज़रूर आपको पसंद आया होगा, तभी देखे होंगे, तो लाइक भी कर दीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ कि MA क्लासेज ऐप्स आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पर, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। आपको जो भी PDF वगैरह जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका अगर PDF चाहिए तो उस MA क्लासेज एप्लीकेशन में मिल जाएगा। और बहुत सारे कोर्सेज हैं वहाँ पर, प्रीमियम कोर्सेज भी हैं, पेड कोर्सेज भी हैं। मैं यहाँ तो YouTube पर कुछ फ्री कोर्सेज दे रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर कुछ पेड कोर्सेज भी है, आप उस कोर्स को पढ़ सकते हैं आसानी से। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर है वहाँ पर, डाउट क्लियरेंस के लिए चैटिंग का भी ऑप्शन है, तो आप ज़रूर उस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।